कोल्हान में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा। आपको बता दें कि कोल्हान में कुणाल सारंगी ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि कोल्हान में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। कुणाल सारंगी ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी से अलग हुए कुणाल सारंगी पार्टी पर लगाया उपेक्षा करने का आरोप। एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कोल्हान और जमशेदपुर की जनता को संबोधित किया है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। कुणाल सारंगी ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि पार्टी से जिस तरीके से पार्टी पर उन्होंने उपेक्षा करने का आरोप लगाया है, आपको बता दें कि बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने पद से अपना इस्तीफा दे दिया है और पार्टी पर उपेक्षा करने का उन्होंने आरोप लगाया। एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी आज जमशेदपुर पहुंचे थे, वहीं दूसरी ओर बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कुणाल सारंगी ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी से अब अलग हो गए हैं कुणाल सारंगी, पार्टी पर लगाया है उपेक्षा करने का आरोप। और इस पर अधिक बात करने के लिए कोल्हान से ब्यूरो हेड संतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, जिस तरीके से एक तरफ जमशेदपुर में पीएम मोदी का संबोधन, वहीं दूसरे तरफ कोल्हान में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, कुणाल सारंगी ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। जी बिल्कुल अनिकेत, एक हम बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका है। हालांकि कुणाल सारंगी अभी बीजेपी में बने हुए हैं, उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है। यह कहते हुए इस्तीफा दिया है कि जो है पार्टी में उनकी उपेक्षा हो रही थी, उन्हें तरजीह नहीं दिया जा रहा था। जिस तरह से, क्योंकि वो बहरा घोड़ा के विधायक भी रह चुके हैं और विधायक रहते हुए उन्होंने जेएमएम को छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। हाल के दिनों में जो है वो पार्टी से नाराज चल रहे थे, पार्टी के कार्यक्रमों से खुद को दूर रखा था। क्या वजह थी, क्यों उनकी उपेक्षा की जा रही थी, ये तो अभी खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि इस बार जो है वो सांसद के टिकट के दावेदार थे और एन वक्त पर उनकी जो है टिकट काट दी गई। उसके बाद से ही जो वो पार्टी से जो है अलग थलग पड़े हुए थे और कहीं ना कहीं इसी से दुखी होकर उन्होंने यह कदम उठाया है। अनिकेत, कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने अभी प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है, क्या वो पार्टी भी छोड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है? हाँ देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने जो है लोकसभा चुनाव अभी मत गिनती के 5-6 दिन बच गए हैं और उससे ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो कहीं पार्टी को जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि अभी पीएम जो है यहाँ जमशेदपुर घाटशिला में संबोधित कर रहे हैं जनता को, सांसद विद्युत वरण महतो के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद इस पर जो है पूरा मंथन होगा कि क्या वजह रही जो कुणाल सारंगी को यह कदम उठाना पड़ा है, क्योंकि वो एक तेज तरार नेता के रूप में जाने जाते हैं, उनकी अच्छी खासी युवाओं में पैठ भी है। उनका एन वक्त पर इस्तीफा दे देना कहीं ना कहीं पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। निकेत जी, संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो कोल्हान में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, कुणाल सारंगी ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल